हेलो जी, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। और जी, हम भी ठीक हैं। सुबह का टाइम हो रहा है और आप सबका स्वागत है नई सुबह और नई किरण के साथ। और जी, मैंने लोग की शुरुआत करती है, 7 बजने वाले हैं करीब, काम हो गया है शुरू। मैंने लगा दी सुबह सुबह मशीन, और मेरी माँ और मेरे बाबू बांध देंगे बैसन है, भैंस भी इतना है। और ठंड सुबह सुबह तो ऐसा लग रहा है पाला हा पड़ रहा है। देखो जी, ये गाय भैंस बैठी है और कटड़ी खड़ी है, और मैं ये कपड़े धोऊंगी। देखो जी, कपड़े ये छाटे नहीं है ना, छाट छाट कर अलग अलग करूंगी, जोन से रंग निकलन के मान ले, जोन से भी पहला धोया कर अलग अलग वो बना लूंगी इनका, के साथ में गोबर भी घेर खाऊंगी। तो जी, मैं कर लूँ अपना जो गोबर पानी का काम है वो शुरू, और फिर कपड़े धोऊंगी तो देने के लिए होगा। जी आ रही, मैं बन लग रहा है बाखर बनना भी इधर रख रही सुबह का। अब मेरी माँ और मेरे बाबू बंद लग रही हैं इसको लड़ने, और जैसा ना बंद खाऊंगे भी बाहर। देखो जी, अपना सुबह का जो काम हुआ कर है वो निमट गया है। रितिका ने पोछा लगाया है, संडे का दिन आज, और मैं धोन लाग रही इस टाइम पर कपड़े। कपड़े का काम ही वह निमटा नहीं है कुछ ही, दो कुर्सियां पर दो दो कमरे रख दिए हैं, और कम्बल शोल री चुंदड़ी रखी है, थोड़ी सी रह रही है धोने, और मशीनी पर लाग रही है, और थोड़े से कपड़े अपना बाहर रखे हैं, बाहर धोन लाग रही हूँ साइड में। और इस टाइम पर 9 बजे का हो गया है टाइम, और मेरी माँ बनाने लग रही है दाल और चावल
सुबह का अपना खाना मेरी माँ तैयार करेगी। और हमने नीचे का निमेट दिया है, काम भी संडे ना है, सोच लो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा निकले रहा करें। तो जी मैं कपड़े धो ली हूँ, जो भी कम अपना बना दिया होगा। और जी जो चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल ना सब्सक्राइब कर लिया करो, ताकि आने वाली अपनी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। और आल नोटिफिकेशन अभी प्रेस कर लिया करो। और किसी इलाके हैं अपने वो जरूर बताया करो कमेंट में। हाँ जी मैं धो का आई हूँ कपड़े, और कंबल धोया नहीं क्योंकि पानी रह गया था थोड़ा, तो पहनना होगी लाइट। और देखो जी मेरी माँ दाल और चावल चूल्हे पे, अरे मैं इसी का के पापा आए हैं तो उनकी रोटी। तो जी मैं देखो जी खिले खिले हैं चावल, अरे का जी का तो हल्का खाना भी खाना जी है। तो हाँ जी थाली है तैयार, चावल और दाल। तो जी मैं देख आऊंगी इसी का के पापा की रोटी, ऊपर धूप में बैठे हैं। अरे वो अपना काम ना मिलेगी, पहले रोटी खाऊंगी क्योंकि भूख नहीं लग रही है। तो दाल और चावल रखे मैंने क्योंकि थाली तो आकर जी मर्द की, अब प्लेट होकर अपना औरत की। तो जी मैं कभी भी खाना थाली में नहीं खाया करती, मैं खाया करूँ प्लेट में। तो जी मैं खा लूँ अपना खाना, फिर वो काम संभालूंगी। अब भूख भी बहुत घनी लाग रही है, थकावट सी हो गई है बहुत घनी। तो ठीक है जी आपसे मिलते हैं खाना खाने के बाद। तो हाँ जी इब हम पहुँच गए नलके पे, आते आते खेत में जा रहे थे इस टाइम पर, वहाँ पर कोई क्लिप नहीं निकालन पाई क्योंकि थोड़ा सा टाइम का वो था। तो जल्दी से अपना घर का काम निमेट कर फिर बस भी लानी जरूरी थी। तो जी हम अपना एक पानी भी भर ले जाऊँगे, सोचा कि जाते जाते अपना पीपा भी ले जाऊँ, नहीं तो दोबारा आना पड़ेगा। और जी ये नलका जो अपने खेत की साइड ही पड़ता है, जी देखो चारों तरफ हरियाली हरियाली है, और इस पेड़ की छाया भी गर्मिया में जमा से नलके पर, और छाया रहा है तो ठंडा पानी भी रहा है। और जी गांव के लोग हैं जो यहीं से पानी लेकर जाते हैं तकरीबन। और जी मैं भी भरूंगी पीपा, लागी हूँ पीपा भरण। और ये नलका है जो कुआं तो पूरा पानी दे रहा है, कुआं छोड़ दे रहा है, ऐसे जपन जपता चल रहा है। कभी नलके तो लगा रखे हैं यहाँ पर तीन, लेकिन चलता एक ही है, उनमें से एक पूरा साइड है जो सामने दिख रहा है आप में, और एक उस ट्रांसफार्म की साइड है, लेकिन वो दोनों खराब हो गए। तीन लगाए थे, एक साल सारा हो गया है ना उन्हें लगे हुए ना, हम दूसरी साइड से लेकर आ करके। तो जब अपना पानी भर कर लेकर जाऊँगी अपना दोपहर तक का जो डेली रूटीन का काम हुआ करा गाँव में, तो भी आप सबके साथ शेयर कर दिया है। तो जी हम चले जाओगे घर पर। तो जी आज का व्लॉग आप सबने कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज के व्लॉग का यहीं पकड़ते हुए एंड आपसे मिलेंगे एक और प्यार से नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना जी।